हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप हमारे ओके सर्विस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस पर भी हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो डालते हैं दोस्तों। ये हमारे पास एक इन्वर्टर एसी आया था, इसके पीसीबी बोर्ड में दिक्कत थी। ये शार्प का कंपनी का है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि जब इसको चलाते थे तो कुछ देर बाद ये टाइमर की एलईडी ब्लिंक करना शो कर देता था दोस्तों। अब इसको मैंने खोल रखा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी चल रहा है, इस टाइम देखना, थोड़ी देर के बाद ये ब्लिंकिंग शो करेगा। तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, जब भी आपको कुछ समझ आएगा। और आगे हम पीसीबी बाहर निकाल के आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। देखते रहिए दोस्तों, ये 21 अभी है, ये देखना थोड़ी देर बाद ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अभी देखिए दोस्तों आखिरी तक देखना वीडियो को, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो कुछ भी पता नहीं लगेगा आपको। ये देखना, ये देखिए आप, देखना ध्यान से देखना दोस्तों, होने वाला है। बस हो गया दोस्तों, हो गया। देखो ये ब्लोअर बंद हो चुका है दोस्तों, और यहाँ देखना अभी, ये देखिए अभी वो देखिए ऊपर ब्लिंकिंग शुरू होगी दोस्तों, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है इसका। देखा दोस्तों, अभी ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है ये सेट जो है। ये देखिए दोस्तों, ब्लिंकिंग शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए, जनरल नॉलेज की बातें देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू दोस्तों।